और राइट सो वो सब गाइस, तो तुम लोग को पता होगा कि हमने हमारी 30 गप्पीज को सेल कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। और अभी ये गप्पीज का जो है, मैंने इनका वाटर भी चेंज कर दिया है, और अभी जो गप्पीज है इसके अंदर, उनमें से काफ़ी सारी गप्पीज का कलरेशन नहीं आया, मतलब ये फ्राइज से थोड़े बड़े हुए हैं। और यहाँ पे तुम लोग एक को मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये छोटे छोटे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये है डाफनिया। सो हमने इसे भी कल्चर्ड किया है, और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने डाफनिया कैसे कल्चर्ड किया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमें कैसे, हमें हमारे इस टब को हमें अभी सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इसमें से गप्पी सेल कर चुके हैं। तो अभी हम इन ये वाली गप्पीज की ब्रीड नहीं लाएंगे, अभी हम लेकर आएंगे डम्बो एयर या फिर अल्बाइनो गप्पीज। तो तुम लोग मुझे ये भी कमेंट में बताना कि मुझे कौन सी गप्पीज लानी चाहिए, डम्बो एयर या अल्बाइनो या फिर कोई और ब्रीड की गप्पीज, बट गप्पीज ही, बिकॉज इस टब के अंदर गप्पीज ही बहुत अच्छे से लगेंगे और इसमें ब्रीड भी कर लेंगे। सो अभी हम इसे टोटली एक ब्रीडिंग सेटअप बना लेंगे। एंड बाकी सवारी अपडेट, जैसे कि पोलार पैरेट्स का भी वाटर चेंज है, सो ये भी दिख नहीं रहे, ये वैसे अंदर ही रहते टोटली। सो वहाँ पे पोलार पैरेट्स के फ्राइज है, जो तुम्हें दिखाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो पोलार पैरेट के फ्राइज है जो हिल गए, और यहाँ पे गप्पीज है। सो जल्दी जल्दी अभी से हमें इसे खाली करना है। इसमें के जितने भी प्लांट्स हैं, पहले मैंने सोचा था इसमें रखूँगा, बट इसमें हमने डाफनिया कल्चर्ड की है, सो हम इन प्लांट्स को इस बाल्टी में रख लेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। तो तुम लोग को ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और तुम लोग भी सीख सकते हो कि कैसे एक ब्रीडिंग गप्पी सेटअप बना लिया जाए आउटडोर के लिए। सो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो अभी तुम लोग देख सकते हो कुछ हॉर्नवर्ड्स यहाँ पे भी गिरे, सो इन्हें जल्दी से क्लीन करके इसके अंदर डाल देते। और देख सकते हो अभी हमारे पास इतने हॉर्नवर्ड्स है, बेसिकली इससे ज़्यादा हॉर्नवर्ड्स थे, बट हमने हमारे जो सब्सक्राइबर थे जिन्हें हमने गप्पीज दिए उनको भी ये सारे, मतलब आधे हॉर्नवर्ड्स उनको दे दिए, एंड बस इतना ही। और अभी ये टब है, सो इसे पहले हमें क्लीन करके ले लेना है। तुम देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीड़े व मकोड़े पलप रहे हैं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। सो इसकी स्पेस बेसिकली वही रहेगी जहाँ पे ये पहले था, बिकॉज़ वहाँ पे सनलाइट है ना, ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज़ सन हमारा यहाँ से आता है, देखो यहाँ से आकर यहाँ पे जाता है, तो थोड़े टाइम के लिए जब तक सूरज देव वहाँ पे रहेंगे तब तक यहाँ पे लाइट होगी थोड़ी सी, मतलब एक प्रॉपर लाइट होगी, एंड उसके बाद नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पे छाव आ जाती है। और ये सारे थोड़ा ये वाला एंड ये गप्पीज थोड़े हीट हो जाते हैं, मतलब इनका वाटर थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट नीचे से नॉर्मल रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर एंड इसके लिए ये है, और वहाँ पे भी इतनी गर्मी नहीं होती बिकॉज़ वहाँ पे भी छाव आ जाती है। सो बेसिकली अभी हम इसे क्लीन करेंगे एंड इन कीड़ों को हटा देंगे, और वहाँ पर देख सकते हो एक छिपकली। तो यार जैसे कि तुम सब देख सकते हो ये फाइनली हमने इसे क्लीन कर लिया, और ये अभी पहले से ज़्यादा बेटर है और अच्छा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। सो देख सकते हो यहाँ पे हॉर्नवर्ट मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, और ये वाला भी, मतलब जो गप्पीज का जो सेटअप है ये ग्रोइंग सेटअप से ज़्यादा यूनिक होगा, बिकॉज़ इसमें हमने बस वाटर लेटस रखे है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आती है और वाटर लेटस, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा रखे हैं और गप्पीस इसमें ग्रो हो रहे हैं। सो ये वाला एक प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप होगा जिसमें गप्पीस ब्रीड कर पाए, जैसे कि हम लेंगे अल्बाइनो गप्पीस या फिर डम्बो रेड ईयर, सो हम कोशिश करेंगे कि उनकी ब्रीडिंग कराने के। तो ये ज़्यादा मतलब एक फैंसी सेटअप नहीं होगा, ये प्रॉपर एक ब्रीडिंग सेटअप होगा। तो अभी हमारे पास ये दो बॉक्स, जैसे कि तुम सब देख सकते हो ये दो बॉक्स है, सो हम इसमें पूरा मतलब हॉर्नवर्ड्स इस टब में यूज़ करने वाले हैं हमारे गप्पीस के ब्रीडिंग सेटअप के लिए। तो तुम सभी को पता होगा कि हॉर्नवर्ड्स एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, वो मतलब ऐसे वैसे, मतलब बाद में छूट जाएंगे, इस वजह से अभी हम इस कंटेनर में हॉर्नवर्ड्स को पहले स्टेबल करेंगे एंड फिर इसमें वाटर डाल के हॉर्नवर्ड्स ऊपर से भी डालेंगे। सो चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है। तो
बेसिकली हमारा प्लान था कि हम ये दोनों बॉक्स को फिल करें, बट हमारे पास हॉर्नवर्ड्स कम है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास इतने कम हॉर्नवर्ड्स कभी हो जाएंगे। सो इस वजह से अभी हम बस एक ही बॉक्स इसके अंदर डालेंगे। सो एक बॉक्स भी काफ़ी है। सो ये अंदर जाके फ्लोट करे, इस वजह से हम इसमें थोड़ा मटकी डाल देते हैं, जिससे कि हॉर्नवर्ड्स भी मतलब जो है वो सेटअप में रहे और ये अच्छा फिल्टरेशन का भी काम कर सके। एंड बाकी ये हॉर्नवर्ड्स को अच्छे से जकड़ के भी रखे। वैसे डन हो चुका है, इसमें इतने हॉर्नवर्ड्स है जिन्हें हम ऐसे वाटर के अंदर डालेंगे। सो पहले अभी हमें इस टब को अच्छे से फील कर लेना है एंड इसको उसकी जगह पे डाल देना है। उसके बाद हम इन्हें भी डालेंगे और ये जो टुकड़े हॉर्नवर्ड्स के हम इनका भी क्या करेंगे, इन्हें भी उसके अंदर डालेंगे। सो चलो जल्दी करते। सो बेसिकली वी डन दिस एंड अब बारी आती इसमें इसको डालने की। सो मैंने इसमें वाटर तो फील नहीं किया, पता नहीं ये कैसे अंदर जा सक पाएगा कि नहीं। हाँ जा रहा है, हल्के हल्के से जा रहा है, देख सकते हो बबल्स आ रहे हैं, जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा निकल रहा है। एंड ये टोटली हो चुका। सो या ये वाला सेटअप हो चुका है, देख सकते हो हॉर्नवर्ड्स एकदम अच्छे से यहाँ पे है। अभी हमें बस ऊपर से कुछ हॉर्नवर्ड्स छोड़ देने हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए लगे इस वजह से। सो यहाँ पे हॉर्नवर्ड्स ये वाले है जो टुकड़े थे, इन्हें ही हम उठा लेते हैं एंड इन्हें ही हम इसके अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे, देख सकते हो जैसे कि। सो इन्हें हमें नीचे डालने की ज़रूरत नहीं, ये जैसे भी फ्लोट करे ये अच्छा खासा हो जाएगा। जब इसमें हम गप्पीस ऐड करेंगे तब तक ये पूरी तरह से सेटअप हो जाएंगे, बिकॉज जो मेन सेटअप करना था हमें हॉर्नवर्ड्स का वो हमने सेटअप कर चुका है। सो इसमें बचे हुए थोड़े से हॉर्नवर्ड्स को भी मैं सोच रहा हूँ ले लूँ या फिर इसे नहीं लेते, ये वैसे भी ख़राब हो चुका है। सो थोड़े से हम हॉर्नवर्ड्स इसमें से और ले लेते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर गप्पीस के लिए है। सो हॉर्नवर्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। सो हमने इसे ऐसे ही डाल लिया है, जैसे कि देख सकते हो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। रेडी होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैं इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसमें गप्पीज ऐड करने के लिए। तो तुम लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी से इसमें गप्पीज लेकर आए, और मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये मेरा आइडिया कैसे लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी जल्दी लाइक करो। सो चलो।